तो ध्यान दीजिएगा, कल के ही खबर है, मैंने आपको ये खबर दिखाई थी लेटेस्ट न्यूज़ में कि 5 मार्च को प्रकाशित किया गया था कि बच्चों को पोशाक देने हैं 400 रुपये, पैसे देकर फ़ोटो खिंचवा लिएगा, बाद में नौनिहालों को बच्चों को ड्रेस पहना दिया गया, यानी ड्रेस दे दिया गया। इस मामले की जो है जांच करने की रिक्वेस्ट जो है DPO के पास पहुंची थी, लिखा कि आंगनवाड़ी में बच्चों को पोशाक राशि देनी है, लेकिन कई केंद्रों में बच्चों को कपड़े दिए जा रहे हैं। भास्कर इम्पैक्ट है, जांच की गई, लिखा गया आंगनवाड़ी में पोशाक देने में गड़बड़ी को जांच को पहुंची DPO, लाभुक ने की सेविका की शिकायत, 40 में से 30 बच्चों के लिए ही आई है पोशाक राशि, पोशाक चाहिए तो देना होगा खर्चा और ले लिए 200 रुपये। ये कुछ अजीबोगरीब मामला यहाँ पर केंद्र पर गड़बड़ के संबंध में देखने को मिल रहा है। इस खबर को दिखाकर मैंने कल ही कहा था कि जो भी दोषी होंगे उसके लिए अधिकारी स्तर पर अधिकारी जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। तो इसके संबंध में पूर्णिया के रुपौली प्रखंड की खबर लेटेस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, फिर भी लेटेस्ट जानकारी देने की कोशिश मैं आपके लिए हमेशा करता हूँ। लिखा गया है कि प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविका द्वारा पोशाक राशि वितरण में अनियमितता बरतने का मामले DPO ICDS रीना श्रीवास्तव ने गंभीरता से लिया है। मंगलवार को DPO ICDS कार्यालय बिना किसी सूचना के संबंध आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर उन्होंने जांच की। जांच के दौरान गौरियारपुरा पंचायत के संख्या 36 पर मौजूद लाभुक सीता देवी ने DPO के सामने ही सेविका सोनी कुमारी के खिलाफ शिकायत की झड़ी लगा दी। लाभुक सीता देवी ने कहा कि मेरे बच्चे को नगद राशि के बदले ड्रेस दिया गया है। इतना ही नहीं, सीता देवी ने सेविका के सामने ही कहा कि सस्ते पोशाक के बदले उनसे 200 रुपये भी यह कहकर लिया गया है कि इस बार एक केंद्र पर 40 बच्चों में से 30 बच्चों के लिए पैसा आया हुआ है, इसीलिए अगर आपको ड्रेस चाहिए तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लिखा गया DPO रीना श्रीवास्तव के अचानक केंद्र पर पहुंचने की सूचना मिलते ही CDPO ऑफिस से लेकर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में हड़कंप मच गया। तत्काल CDPO प्रखंड ICDS कार्यालय कर्मी मौके पर पहुंचे। जांच के क्रम में DPO के पूछने पर एक अन्य लाभुक श्याम कुमार ने कहा कि उनके बच्चे को पैसा के बदले खराब क्वालिटी का कपड़ा दिया गया है। आवेदनकर्ता वार्ड 3 के सदस्य कविता कुमारी ने भी सेविका सोनी कुमारी पर मनमारी करने का आरोप लगाते हुए उनके अधिकार हनन करने का आरोप लगाया। DPO रीना श्रीवास्तव ने सभी लाभुकों के बयान की वीडियोग्राफी भी करवाई और उनका कलमबद्ध हस्ताक्षर भी करवा लिया। यानी कि कहीं ना कहीं जैसे कि खबर में प्रकाशित की गई है, ये मामला सत्य पाया जा रहा है। हालांकि देखते हैं दोषी कौन है और कार्रवाई किस पर होगी। लिखा गया DPO ने खुद लाभुकों के घर जाकर पूछताछ की, उनके जो भी बयान है या फिर उसको वीडियोग्राफी करा ली और उसको प्रूफ के लिए रख लिया। यहाँ पर देखिए लाभुक से पूछताछ कर DPO महोदया पहुंची हुई है, जो बड़ी बात है। अब देखना होगा कि क्या सच में बच्चों को जो है पैसा वापस लेकर ड्रेस दिया गया है और किस प्रकार क्या गड़बड़ी की गई है। उम्मीद करूँगा आप अपना काम नियमानुसार करेंगे ताकि कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।